हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज है तारीख 14 दिसंबर, दिन है आज सोमवार का, और आज आएंगे शिल्पा के भाई शिल्पा को लेने के लिए, यानी कि दुसेरी बोलते हैं हम। तो दुसेरी में लेने के लिए आएंगे, भाई और बहन आते हैं, सभी आते हैं, और उनकी फैमिली से जो आएंगे 20-25 जने आएंगे, काफी जने आएंगे। तो चलिए चलते हैं, और फिर बनाना है खाना, और देखिए आज बनाएगी शिल्पा खाना। और शिल्पा की जो पहली रसोई है, हम दिखाएंगे आपको कि शिल्पा अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाएगी, यानी कि नई बहू अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाती है। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर हुआ है दोपहर का टाइम, और शिल्पा बना रही है खाना। और पता ही है आपको, शादी के बाद बहू की पहली रसोई होती है। तो शिल्पा बना रही है यहाँ पर खाना। तो ये देखिए, शिल्पा ने यहाँ पर टमाटर प्याज जो है वे काट के रख लिए थे, और ग्रेवी बना ली थी यानी बारीक वाली, और थोड़े इसने मोटे मोटे यानी बड़े बड़े भी काट के डाले हैं इसमें, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च इस तरह के। तो ये देखिए, शिल्पा ने सब्जी छोंक दी है, और आज आने वाले हैं इसके भाइयर यानी कि दूसरी में लेने के लिए। तो उनके लिए खाना बना रहे हैं, काफ़ी सारा खाना बनना है। 10-15 जने हम घर के भी हैं, और 10-15 जने वे भी आएंगे, काफ़ी जने आ रहे हैं। तो ये बना रही है यहाँ पर छोले की सब्जी, और आज खाने में छोले भटूरे और आलू गोभी की मिक्स सब्जी, और है चावल। और मिठाई तो पता ही है आपको, शादी के घर में कितनी ज़्यादा रखी रहती है। और शिल्पा ने पहली रसोई में पहली बार बनाया इनकी जो बनाई है मिठाई में हलवा। तो हलवा तो इसने थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मिठाई रखी हुई थी, रसगुल्ले वगैरह। तो ये देखिए, इसने सब्जी को छोंक भी दिया है, छोले की सब्जी, और ग्रेवी बन के तैयार हो गई है, और थोड़ी देर पका भी ली थी इसने। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। और थोड़ा हमने बनाया था आलू का पेस्ट, और आलू का पेस्ट भी हमने इसमें घोल के डाल दिया, जिससे कि गाढ़ापन आ जाए। बहुत ही बारीक बारीक पेस्ट डाला है हमने इसमें। तो ये देखिए, आलू का पेस्ट को भी एक जगह मिक्स कर लिया है, और इतनी अच्छी सब्जी बनाई शिल्पा ने, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए, और फिर इसमें डाल देंगे छोले, और छोले इसने उबाले हैं चाय की पत्ती डाल के जब, और देखिए काले काले हो रहे हैं, और इसका पानी भी है, और काले काले छोले हो रहे हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई। तो आगे भी चलिए, और मिक्स सब्जी भी दिखाएंगे हम आपको, और सभी से भी मिलवाएंगे जो जो आएंगे इसके मायके से। और 10-15 जने हैं, मैंने बताया आपको पहले, आ रखे हैं बच्चे वगैरह, बड़े वगैरह आते हैं, मम्मी पापा ये तो आते नहीं, लेकिन भाई बहन होते हैं, हम ये आते हैं। ये देखिए कितनी सारी सब्जी काट के रखी हुई है, टपो से बात हो रही है आज। और छोले की सब्जी बन के हो चुकी थी तैयार। तो ये देखिए, अब हो रही है मिक्स सब्जी की तैयारी, और सब्जी भी काट के रखी हुई है, गोभी गाजर और टमाटर वगैरह ये सब, मटर सब। तो ये देखिए, अब छोंक रही है सब्जी, और इसमें तेल डाल दिया, यानी कि पतीले से बात हो रही है आज, और टप में काट के रखी हुई है सब्जी, क्योंकि पता ही है आपको, जब ज़्यादा जनों का खाना बनता है तो ऐसे ही बनता है, बड़े से पतीले वगैरह होते हैं इनमें बनता है, कुकर वगैरह से तो नहीं पूरा पटता। तो ये देखिए, इसमें इसने डाल दिया लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, और इनको अच्छी तरीके से भून लेगी, यानी कि इसकी ग्रेवी बना लेगी, और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनाई है। और शिल्पा ने पहली बार खाना बनाया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया, सभी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे इसकी, शिल्पा की, कि इतना अच्छा खाना बनाया है। और काफ़ी जनों का खाना बनाना इजी बात नहीं होती। तो ये देखिए, इसने टमाटर वगैरह जो है मोटे मोटे काट के रखे थे टुकड़ों में, और हल्दी वगैरह यानी डेली यूज के जो मसाले होते हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं, गरम मसाला, हरा धनिया, इस तरह के लाल मिर्च वगैरह। तो ये देखिए, नमक भी इसने डाल दिया है, और इस ग्रेवी को फिर पहले पका लेगी, और फिर इसमें डाल देंगे गोभी और जो मिक्स सब्जी काट के रखी हुई है। तो ये देखिए, इन सभी को इसने भून लिया है, और अब डाल दिया है इसमें मटर। इसमें तो ये देखिए, मटर को भी अच्छी तरीके से भून लेगी, और इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है, जिससे कि मटर सूखे सूखे हो रहे थे, चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो इसमें इसे पकने के लिए छोड़ देगी, और तब तक हमने पानी निचोड़ लिया है सब्जी का। देखिए खद्दा बज रहा है इसमें सब्जी जो ग्रेवी बनाई थी, और अब डाल दिया है इसमें सारे सब्जी, गाजर गोभी और आलू और मटर टमाटर, इन सभी की सब्जी, और सूखी सब्जी पता ही आपको बहुत अच्छी लगती है। और फिर बनाएंगे भटूरे, और भटूरे का जो अट्टा वगैरह पेस्ट बनाएंगे वो भी दिखाएंगे हम आपको किस तरह बनाएंगे। तो ये देखिए, शिल्पा बना रही है आज भटूरे, और मेरे से भटूरे बनाने नहीं आते, तो इसने मिलाए है इसमें मैदा, सूजी और दही, और थोड़ा हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, और ये इसमें डाल दिया है रिफाइंड, ये देखिए
और यहाँ पर बना रही है शिल्पा यानी भटूरों का आटा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को रिफाइंड वगैरह जो जो डालना है इसमें वो पहले सूखे आटे में मिक्स कर लेगी एक जगह सभी को, और फिर हल्का गुनगुना पानी से इसने भटूरों का आटा किया है। और मैं इसे बनाने सीख रही थी क्योंकि पता ही आपको जब किसी पे बनाने नहीं आते बहुत हार्ड काम लगता है, और मैं तो ये सोचती थी पहले कि पता नहीं कैसे बनते होंगे। देखिए इसने डाल दिया इसमें सोडा यानी बेकिंग पाउडर, और ये देखिए और काफ़ी सारे बनने हैं, और आटा भी आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा बना हुआ है। और इसमें पहले मिक्स करके और फिर उसमें जैसे कि आटा बना लेगी, और फिर एक कटोरदान में पन्नी में पैक करके गैस बनने के लिए रख देगी, जिससे कि इसमें अच्छा खमीर उठ जाए, और इस वजह से फिर भटूरे बन जाते हैं। 2-2.5 घंटे रखने पड़ते हैं इन सभी को, यानी कि इसका आटा बनाकर 2-3 घंटे रखना पड़ता है। तो ये देखिए आटा बन चुका है, और यहाँ पर बना रही है शिल्पा भटूरे, और भटूरे भी देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हैं। और सारे भटूरे इसने उतारे, फिर जाना है इसे अपने घर, और पता ही आपको घर जाने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है। और ये बोल रही थी कि मुझे खाना नहीं खाना, इसलिए हमने इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। इसे इतनी खुशी हो रही थी अपने मायके जाने की, बहुत ही ज़्यादा। वैसे अच्छे बनाए हैं इसने भटूरे, और पैल पता ही आपको 1-2 पैल शुरू के होते हैं, थोड़े ख़राब से उतरते हैं, और देखिए कितने अच्छे उतर रहे हैं वाइट वाइट से, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नहीं वो कि पहली रसोई आपको कैसी लगी। देखिए कितने सारे भटूरे बना के रखे हुए हैं, और सभी खाना खा रही है, इसके मायके वाले भी आ गए थे, नाश्ता भी हमने सभी को करा दिया था, तो सभी बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड और संदीप भैया हमें खाना खिला रहे थे सभी को। तो ये देखिए फिर हम भी खाएंगे खाना, और फिर शिल्पा को जाना है अपने मायके और दिखाएंगे हम आपको, और फिर अगले दिन जाना है हमें। वैसे तो हम बोल रहे थे कि आज ही जाना है, लेकिन सभी बुआ जी और बोल रहे कि कल सुबह ही जाना, तो इसलिए हम कल को जाएंगे सुबह ही। तो ये देखिए कितने अच्छे भटूरे बने हैं, और एक टोकरी भरी हुई रखी हुई है। तो ये देखिए आज जा रही है शिल्पा अपने मायके, तो यहाँ पर देखिए तैयार हो गई है, और इसके भाई आए हैं, बहन आई है, काफ़ी जने आए, 10-15 जने आए हैं लेने के लिए इसे, तो वे तो वीडियो में नहीं आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है। तो हमारी शिल्पा तो आएगी हमारे साथ, तो मिलिए इससे, फिर हम चले जाएंगे कल घर। हेलो तो बोल दे और संदीप भैया से मिलवाते हैं। तो शिल्पा से भी ज़्यादा बहुत शर्माते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं मेरे हस्बैंड, देखिए यहाँ पर आई हुई है बुआ जी की देवरानी, यानी कि बुआ जी हमारी, ये बुआ जी लगती है, और इनकी 2 बेटियाँ, ये छोटे वाली है और बड़े वाली ये है जो राधा को ले रही है। बुआ जी आप भी आ जाओ। अरे देखिए हमारी बुआ जी, तो हम आपको नहीं मिला पाए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थी शादी में, तो मिलिए हमारी बुआ जी से, और छोटी सी गुड़िया रो रही है अपनी मम्मी के बिना, देखिए अपनी मम्मी भी चली गई है, और दीदी से हमने आपको पहले ही मिलाया था, ये हमारी जेठानी। और देखिए दूल्हे राजा पीछे खड़े हुए हैं शीशे के सामने, वैसे तो नहीं आएंगे उसके सामने कैमरे के। यहाँ पर चल दिया शिल्पा, देखे तैयार भी हो गई थी, और सभी इसके भाई यार जो बस में यानी कार में आए हुए थे, तो हम सभी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए शिल्पा बैठ ली है गाड़ी में, और सभी इसके ताऊ चाचा जी के ये भाई है, और सगे भाई भी आए हुए थे इसके, ये दो बहन दो भाई है, इसकी बहन भी आई हुई थी, तो सभी खड़े हुए हैं जो हमारी फैमिली वाले थे, ये सभी खड़े हैं बहू को छोड़ने के लिए, सभी आते हैं। तो ये देखिए सभी चले गए हैं, और जब तक गाड़ी दिखती रही जब तक सभी खड़े रहे यहाँ पर, और ये बोल रहे थे कि अंदर तो जाओ, चली गई है शिल्पा अब तो, और अब हम जा रहे हैं सभी अंदर। तो ये देखिए, और हाँ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, आईडी है रवि पाल के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जल्दी से जाइए और हमें फॉलो कीजिए। तो ये देखिए हम आ चुके हैं सभी अंदर, और अभी सब बैठ कर करेंगे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, और कल को सभी मेहमान चले जाएंगे, और बुआ जी का घर हो जाएगा बहुत ही खाली खाली सा, और बुआ जी बोल रही है कि हमारा मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ये देखिए शिल्पा जा चुकी है, और दीपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, शाम मिल गया पेड़ पे जगह। वैसे तो ये इसका मन उदास है, लेकिन आज बोले कि बेड पे आज मैं लेटूंगी, क्योंकि शिल्पा लेटती थी रोज की। तो चलिए मिली इनसे, ये रितु ये भी नहीं गई अपने घर, और हम भी नहीं गए अपने घर, और दीपा का मन नहीं लगेगा, हम कल सुबह ही जाएंगे। वैसे तो हम अभी बोल रहे थे जाने के लिए कि हम आज ही जाएंगे, तो लेकिन हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि सभी चले जाएंगे तो इनका मन नहीं लगेगा, उदास होंगे, तो किसी इनका भी ख्याल रखना पड़ता है, दूसरों की खुशी का भी, अपना ही नहीं तो दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए, और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश है, बोल रहे हैं कि मामी जी मत जाओ, ये है बड़े वाली दीदी की लड़की, यानी कि जो बुआ जी की दोती है।
तो ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप सब भी बोल दो बाय 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 बाय।